हाय सोनम के स्कूल में फंक्शन है, सब लोग अच्छे से तैयार होकर आएंगे। चलिए देखते हैं कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई है। अरे टीचर तो अभी गई है, अभी तक सब लोग नहीं आए लेकिन टीचर तो पहुंच चुकी है। चले चले बच्चों, जल्दी से सही हो जाएं, अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। अभी बहुत से बच्चे नहीं आए हैं, हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं। अरे अरे टीचर जी, मैं तो बड़ी प्यारी लग रही हूँ, सब लोग अभी आ जाएंगे। मम्मा ने मेरे तो बाल भी कटवा दिए हैं। मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे ही प्यारे लग रहे हो। हाँ हाँ चिंकी, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम तो हो ही सुंदर। चले सबका इंतज़ार कर लेते हैं, अभी 5 मिनट में सब लोग आ जाएंगे। अरे अरे मैं तो आ गई, देखो देखो मेरा सूट कितना प्यारा है, मैं तो आज बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। हाँ हाँ चलो चलो भाई चलो, आज तो फंक्शन है। अरे टीचर जी मैं तो आ गई, देखिए देखिए मेरा ड्रेस कितना खूबसूरत है, मेरे पापा लेके आए हैं। हाँ हाँ पिंकी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, चलो चलो अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम बाकियों का इंतज़ार करते हैं। हाँ टीचर जी मैं बैठ जाती हूँ अभी से, अभी वो लोग भी आ जाएंगे। मैं तो बहुत ही प्यारी लग रही हूँ, चलो चलो फंक्शन है। अरे अरे पिंकी चिंकी मैं भी आ गई, रुक जाओ तुम लोग भी। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, स्कूल में फंक्शन है और सब लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। टीचर भी बहुत प्यारी लग रही है और सब लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 बच्चे अभी तक नहीं आए, राधा और सोनम अभी तक नहीं पहुँचे, देखते हैं वो कब तक आएंगे। मेरा ड्रेस देखो, सब लोग देखो, तूने मारी एंट्री। अरे आहा, अरे अरे देखो, हाय सब लोग देखो, मेरा ड्रेस कितना खूबसूरत है। अरे मैं आ गई आ गई, चलो चलो भाई चलो, फंक्शन शुरू तो नहीं हो गया। अरे अरे देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, देखो देखो मेरा ड्रेस कितना सुंदर है, मेरा फ्रॉक बहुत प्यारा है, मैं सबसे प्यारी लग रही हूँ। हाँ हाँ सोनम तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, हाँ हाँ देखो तो तुम्हारा ड्रेस कितना खूबसूरत है, पर मेरा भी किसी से कम नहीं। हाँ हाँ सोनम तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, चलो आ जाओ सीट पे। हाँ हाँ मेरे पापा लाए हैं, मेरा फ्रॉक तो प्यारा है सबसे, चलो चलो चलते हैं। अरे वो गवार राधा अभी तक नहीं आई, आ जाएगी अभी, चलो चलो। अरे अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, लगता है फंक्शन शुरू हो गया होगा, टीचर इंतज़ार कर रही होंगी, जल्दी से जाती हूँ। हाँ हाँ मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं थे, लाइट भी नहीं थी, इसलिए लेट हो गई। हेलो टीचर जी मैं आ गई, सॉरी आई मैं लेट हो गई। कोई बात नहीं राधा, कोई बात नहीं, अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ, जल्दी से आ जाओ। अरे अरे देखो देखो उसका ड्रेस कैसा है, वो तो बिल्कुल गंवार लग रही है, उसने तो कमीज सलवार पहनी हुई है, हमारे सूट्स के अलावा तो कोई भी प्यारा नहीं लग रहा है। देखो तो, हाँ हाँ उसका ड्रेस देखो कितनी बुरी लग रही है वो, और वो तो बैग भी पहन के आई है। मीरा और चिंकी की बातें सुनकर सोनम बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है। अरे अरे ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग, आ जाओ राधा जल्दी से आ जाओ, अपनी सीट ले लो, फंक्शन शुरू करना है। ओके टीचर जी। इतने में सोनम जगह पे जाने लगती है। ओहो कहाँ आ रही हो तुम, और राधा उसे मना कर देती है। अरे अरे कहाँ आ रही हो, मेरा ड्रेस गंदा हो जाएगा, तुम जाओ कहीं और जाकर बैठो। हाँ हाँ तुम कहीं और जाके बैठो, और राधा साइड पे हो जाती है कि मैं कहीं और बैठ जाऊँगी। इतने में टीचर की आवाज़ आती है, अरे अरे राधा यहाँ आ जाओ। ओके टीचर जी। ये सुनकर सोनम को जेलसी होने लगती है कि उसने टीचर ने मुझे अपने साथ क्यों नहीं बिठाया और उसे क्यों बिठा लिया है, और वो गुस्से से दिखने लगती है राधा को। अरे अरे ये पास वाले जंगल से डायनासोर आ रहा है, ओहो कहीं ये स्कूल में ना घुस जाए, ये जंगल तो स्कूल के बहुत पास है। अरे अरे कहीं बाहर ना आ जाए। अरे अरे ये तो जंगल से बाहर आ गया, अब तो ये स्कूल की तरफ जाएगा, जल्दी से भागो, कोई स्कूल में बच्चों को बताओ, कहीं स्कूल में ना घुस जाए। नहीं। नहीं।
अभी फंक्शन स्टार्ट हुआ है और सब लोग अपने अपने ड्रेसेस देख रहे हैं और एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि इतने में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अरे अरे बच्चों, ये कौन आवाज़ें निकाल रहा है? ऐसी डरावनी आवाज़ें नहीं निकालते। अरे टीचर जी नहीं, हम तो ऐसी आवाज़ें नहीं निकाल रहे। ये आवाज़ें तो पता नहीं कहाँ से आ रही हैं, मुझे लगता है ये बाहर से आ रही हैं। हाँ हाँ टीचर जी, मुझे भी आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। जरा देखें तो, चौकीदार को भेजिए, ये कौन आवाज़ें निकाल रहा है। अरे अरे बच्चों खामोश हो जाओ, मैं अभी जल्दी से जाके पता करवाती हूँ। अरे अरे देखो देखो, ये तो अंदर आ रहा है। ये देखो कितना डरावना है, ये कहीं स्कूल के अंदर ना आ जाए, क्लास में ना आ जाए, किसी को बताना होगा। अरे अरे चौकीदार, कहाँ सो गए तुम? इतने में टीचर देखने जाती है कि ये आवाज़ें आखिर कौन निकाल रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से बाहर निकलती है और वो देखती है कि यहाँ तो डायनासोर है, टीचर बहुत डर जाती है। अरे अरे बच्चों भागो भागो, डायनासोर आ गया, डायनासोर आ गया। सोनम बहुत ही डर जाती है क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों से बहुत डर लगता है। वो जैसे ही भाग कर जाने लगती है और उसका फ्रॉक अटक जाता है और वो गिर जाती है। अरे अरे मैं गिर गई, मुझे कोई उठाओ, मुझसे नहीं उठा जा रहा। अरे अरे डायनासोर आ जाएगा। इतने में डायनासोर उसके करीब बढ़ने लगता है, इतने में डायनासोर आगे बढ़ने लगता है और वो सोनम के करीब आने लगता है। अरे अरे सोनम उठो, जल्दी से उठो, देखो डायनासोर तुम्हें काट लेगा। अरे अरे उठो, जल्दी से उठो। इतने में टीचर उसे भगाने की कोशिश करती रहती है कि डायनासोर भाग जाए, लेकिन वो नहीं भागता और उल्टा वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। और टीचर भी डर जाती है और वो पीछे जाने लगती है। अरे अरे अब सोनम को कौन बचाएगा? अरे सोनम डर गई है, वो तो बेहोश हो गई है, अब ये डायनासोर उसे काट लेगा। अरे कोई तो बचाओ। अरे अरे टीचर जी आप परेशान ना हो, मैं जाती हूँ जल्दी से, मेरे पास तीर है, इससे वो बेहोश हो जाएगा। लेकिन राधा वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें भी काट लेगा, संभल कर जाना। जी जी टीचर जी, मैं संभल कर जाऊँगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तीर चलाना आता है। इतने में राधा तीर कमान लेकर डायनासोर की तरफ बढ़ने लगती है और डायनासोर इसी की तरफ हो जाता है और राधा तीर से निशाना मारने लगती है। अरे ये क्या, ये मारने लगी है, ओहो ये तो नहीं लगा। और राधा दोबारा कोशिश करती है, ओहो ये तो दोबारा से नहीं। अरे अरे इसने तो राधा की तरफ ही मुंह कर लिया है, अब ये राधा को काट ना ले। हाँ हाँ, अरे अरे ये दोबारा सिर लगाने लगी है, ओहो ये तो गिर गया, ये तो बेहोश हो गया है। अरे वाह राधा, तुमने तो इसे बेहोश कर दिया, मैं देखती हूँ इसे। हाँ हाँ ये तो मर गया है, अब जल्दी से किसी को बुलवाते हैं और वो इसे ले जाए ताकि यहाँ से। बहुत अच्छी बात है राधा, बहुत अच्छी बात है। अरे अरे राधा, तुम्हें ये तीर चलाना किसने सिखाया है? तुम तो बहुत अच्छा तीर चलाती हो। अरे टीचर जी मेरे पापा ने सिखाया है मुझे, मुझे बहुत अच्छे से चलाना आता है, मैं तो बचपन से ही चलाती हूँ। टीचर और राधा आपस में बातें कर रही होती हैं कि उनकी आवाज़ सुनकर सोनम की आँख खुलने लगती है और वो होश में आने लगती है। अरे अरे डायनासोर कहाँ गया, डायनासोर मुझे मत काटो, प्लीज़ मत काटो। अरे अरे सोनम घबराओ नहीं, डायनासोर चला गया, पर कैसे गया है, कैसे गया है, वो तो मुझे काटने लगा था। हाँ हाँ राधा ने उसे मार दिया, राधा ने उसे तीर मारा है और वो चला गया यहाँ से, अब वो चौकीदार से ले गए, अब वो नहीं आएगा। अरे अरे राधा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं सोनम, तुम तो मेरी दोस्त हो, मेरा फर्ज था, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। इस तरह सोनम और राधा दोस्तें बन जाती हैं और वो तस्वीरें बनाने लगती हैं, टीचर भी बहुत खुश होती है और सब लोग फंक्शन के इख्तिताम पर अच्छी सी तस्वीर बनाते हैं और स्माइल करते हैं। बाय बाय बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन तो दबाना मत भूलिएगा। टाटा बाय बाय।